आजादी के 75 वर्ष पूरा होने पर हर घर तिरंगा अभियान को लेकर आगरा के सभी विभाग तैयारी में जुट गए हैं। आजादी के अमृत महोत्सव काल में आगरा के जिला जेल में प्रशिक्षित महिला बंदी राष्ट्रीय ध्वज तैयार कर रही हैं। इस कार्यक्रम में कई अन्य बंदी भी सहयोग कर रहे हैं। यहां के बने हुए तिरंगा ध्वज कई विभागों को उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए जेल में शिफ्ट में महिला बंदियों को जिम्मेदारी दी गई है। प्रतिदिन 400 से अधिक ध्वज बनाने का काम किया जा रहा है। 10 अगस्त तक 5000 झंडे तैयार करने का लक्ष्य है। जिला कारागार आगरा में आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत हम लोग 20x30 इंच के झंडे बनवा रहे हैं। इसमें दो पुरुष बंदी दो महिला बंदी लगी हुई हैं। कच्चा माल हमें सत्यमेव जयते ट्रस्ट के द्वारा उपलब्ध कराया गया है। प्रति झंडा 2 रुपये उन बंदियों को जो कार्य कर रहे हैं उनके पेमेंट किया जाएगा, उनके खाते में जमा किया जाएगा। राष्ट्र के लिए ये जो काम कर रहे हैं आज़ादी के अमृत महोत्सव में, ये इससे बंदियों में भी खुशी है और प्रशासन में भी खुशी है। हमारे जेल के बने हुए झंडे आगरा जनपद में विभिन्न संस्थानों में वितरित किए जाएंगे।